नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टाली बीट्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रही है कल टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति की। दोस्तों, सीरियल परिणीति की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक पर चल रही है। इस सीरियल की कहानी में नीति और संजू, जिनकी शादी वापस से होने वाली है, मगर अब इनकी शादी में ना एक ड्रामा भी नजर आने वाला है। जब तक ये शादी हो नहीं जाती है ना, तब तक हर एक कदम पर कुछ न कुछ मुसीबत, कुछ न कुछ ड्रामे, कुछ न कुछ पैतरे आजमाने वाली है नीति भी, पार्वती भी, अंबिका भी। और इस बार अंबिका ने खेला है बहुत बड़ा खेल। जी हां, यहाँ पर नीति के खिलाफ संजू को इस कदर भड़का दिया है और नीति की वजह से संजू का कुछ ऐसा नुकसान हुआ है जो बिल्कुल भी संजू जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो परी से जुड़ा हुआ था। ऐसे में अंबिका जो है ना नीति के खिलाफ संजू को भड़का देती है कि मुझे नहीं लगता कि नीति आपसे जरा भी प्यार करती है। अगर वो आपसे और परी से इतना प्यार करती ना, तो आपके इस फीलिंग को समझती, उसे बर्बाद नहीं करती, खराब नहीं करती। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि परी की जान लेने के पीछे भी ना नीति का ही हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से डेस्परेट है वो मेरी बेटी पार्वती को परी साबित करके उसे जान से मारने तक की उसने कोशिश की है। उसे देख कर तो कोई भी ये कह सकता है कि परी की जान इसी ने ली है सिर्फ और सिर्फ संजू को पाने के लिए। फिर क्या, यहाँ पर संजू की सारी पुरानी बातें जो होती है ना, संजू को सारी रिकॉल हो जाती हैं, और उसके बाद जो है संजू का दिमाग काम करता है और वो गुस्से में बौखला जाते हैं। और जब संजू घर वापस आता है तो यहाँ पर नीति क्या करती है ना, एक बार फिर से पार्वती और परी को लेकर ना काफी सारे ड्रामे करती है। और फिर क्या, संजू को आ जाता है गुस्सा, और फिर गुस्से में संजू जो है गुस्से में हमारी नीति का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारकर जो है घर से निकालता है, और पुलिस को बुला लिया होता है उसने। और फिर पुलिस आती है और पुलिस के सामने जो है यहाँ पर संजू नीति को घसीट के देता है और कहता है गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़की को और मेरी नजरों से दूर ले जाइए, इसी ने मेरे परी की जान लेने की कोशिश की है और मेरा इतना सारा नुकसान किया है, ये ऐसी लड़की है वैसी लड़की है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वो बोलने वाला है, जिसके बाद नीति पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाने वाली है और ये चीज ना अंबिका का किया धरा है। तो फाइनली अंबिका अपने एक मकसद में कामयाब हो चुकी है।